सारा प्रणाम, सहारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं फरीन अदनान। और मुंबई के रिहायशी इलाकों में इन दिनों उल्लू पक्षी की भरमार से मुंबई वासियों के साथ साथ प्लांट और एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के अधिकारी भी परेशान हैं। पिछले एक महीने में 30 से ज्यादा उल्लू पकड़ने वाले एनिमल सोसाइटी के अधिकारियों के मुताबिक बढ़ते शहरीकरण ने जंगली जानवरों की तरह पक्षियों को भी अपना बसेरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। आधुनिक शहर के निर्माण के नाम पर जंगलों की हो रही कटाई के बाद वहां ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें और शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं, जिससे पशु पक्षियों का बसेरा खत्म होते जा रहा है। एनिमल्स वेलफेयर सोसाइटी की माने तो पिछले एक माह में उन्होंने दुर्लभ प्रजाति के 30 से ज्यादा उल्लू रिहायशी इलाकों से पकड़े हैं। अब उनका जो छत नहीं, मतलब घर नहीं है, तो उसके कारण अभी मॉल्स में तो रह नहीं पाएंगे इन लोग। उसके कारण मतलब सिटी लिमिट में अभी किसी का घर पे घुस जाता है कभी कभी। एनिमल्स सोसाइटी के अधिकारियों की माने तो अगर ये पक्षी गलत लोगों के हाथों में लग जाते हैं तो इनका दुरुपयोग भी होता है। तो काफी क्या इसका ऊपर अंधश्रद्धा भी है। लास्ट वीक हमने 5 चावल पकड़े थे इलीगल बलि के लिए लेके जाते हुए पवई से। वहीं विक्रोली निवासी ससाने उन रहमदिल लोगों में से एक हैं, जिन्हें बीती रात एक पान की दुकान पर जब एक उल्लू अचेत अवस्था में मिला तो उन्होंने उसे एनिमल सोसाइटी के हवाले कर दिया। जब देखा तो ये उल्लू दिखा और उसके थोड़ा अलग दिखी, तो मैं बोला फिर लाके मैं इनको अपने घर में रखा रात भर। और आज सवेरे फिर वो एनिमल वाले को बोल के उनको फोन किया। फिलहाल अधिकारियों के मुताबिक उल्लू के सिर पर अंदरूनी चोट लगी है, जिसका इलाज करने के बाद उसे वन विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों या तेंदुए की आने की बातें अब आम हो चली हैं, लेकिन तेजी से किया जा रहे शहरीकरण का असर अब पक्षियों पर भी पड़ने लगा है। जाहिर है आधुनिक शहरीकरण ने इनका भी बसेरा छीन लिया है। ऐसे में प्रशासन को इन विषयों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कैमरामैन दिक्पाल के साथ राजीव सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। या वर्षीची संक्रांत कोणावर येणार? दरवर्षी येणारी संक्रांत पक्ष्यांसाठी एक संकटच ठरते। त्यांचा काळ ठरतात पतंगांचे मांजे। पतंगांच्या मांज्यानं मुंबईसह राज्यात हजारो पक्ष्यांना मरण पत्करावं लागतं। अनेक पक्ष्यांच्या नशिबी मरण यातनांसह अपंगत्व येतं। अशा पक्ष्यांना अपघातानंतर लगेच उपचार मिळावेत म्हणून मुंबईतली एक प्राणी मित्र संघटना पुढे आली आहे। आकाशात स्वच्छंदपणे उडणं कुठल्या पक्ष्याला आवडणार नाही, पण या कुहू पक्ष्याच्या नशिबी मागच्या 8 दिवसापासून जायबंदी होऊन पिंजऱ्यात पडण्याची वेळ आली। संक्रांतीचा वेध लागताच बाजारात येणारे पतंग उडवण्याचा मोह कोणाला आवरत नाही। अशाच एका पतंगाच्या मांजानं कुहू पक्ष्याला जखमी केलंय। या पक्ष्यावर उपचार करण्याची जबाबदारी मुंबईतल्या पॉज या संघटनेनं उचलली आहे। हमलोग साल के 12 महिने तो बर्ड्स के लिए करते हैं, मगर मकर संक्रांति के दिन जो फ्लाइट पतंग का त्योहार रहता है, जख्मी होते चिड़िया के लिए उपचार के लिए कैंप ऑर्गेनाइज कर किए हैं। आकाशात उडवल्या जाणाऱ्या पतंगीच्या मांज्यामुळे दरवर्षी हजारो पक्ष्यांना प्राण गमवावे लागतात। अशा जखमी पक्ष्यांना वेळेवर औषधोपचार मिळाल्यास त्यांना पुन्हा आकाशाला गवश्री घालण्याची संधी मिळू शकते। जर तुम्हाला असे जखमी पक्षी कुठे आढळले तर पॉजच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधा। हम उसको कुछ जख्मी हो गया तो अगर कुछ इंजर्ड हो गया, उसको किधर लग गया विंग्स में, कुछ किसी भी तरह का उनको प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते हैं और फिर उनको जैसे रिहैबिलिटेट हो जाते हैं हम लोग और उनको उड़ा देते हैं हम लोग। काही दिवसांपूर्वी नागपूरच्या एका लहान मुलाचा अशाच प्रकारे मांजानं जीव गेला, तेव्हा कुठलाही सण पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात काहीच गैर नाही, पण हा साजरा करताना आपल्या आनंदाचा इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेणंही आवश्यक आहे। जयेशवाणी सह ब्युरो रिपोर्ट, स्टार माझा, मुंबई। तर ईस्ट वेस्ट मध्ये आज इतकंच। तुम्ही पाहत रहा स्टार माझा।